मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। एक तीसरा उदाहरण देता हूं, जहां लोगों को ठंड बहुत है और रहना पड़ता है, वहां के लोगों की हड्डियां और शरीर थोड़ा कड़क होता है, उसमें लचीलापन कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। आप थोड़े दिन एक प्रयोग करके देख लो, आप बैठो उसके चारों तरफ बर्फ की सिल्लियां रख लो, एक इधर एक इधर एक इधर और बीच में बैठ जाओ, तो पीठ ऐसी अकड़ जाएगी कि उठना भी मुश्किल हो जाएगा, घुटने इतने अकड़ जाएंगे कि उठ के खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, और गलती से आप खड़े हो गए तो बैठना तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। अब जरा सोचो कि चार बर्फ की सिल्ली जो मुश्किल से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की है, हम 10 मिनट अपने चारों तरफ रख ले तो शरीर अकड़ जाता है। यूरोप के लोगों को 9-9 महीने बर्फ के चारों तरफ ही रहना पड़ता है, बिताना पड़ता है, तो शरीर के सारे जॉइंट्स उनके स्टिफ होते हैं, कड़क होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो वो बेचारे क्या करें, तो ज्यादा उठ बैठ नहीं सकते, तो हर चीज वो ऐसी बनाते हैं जिसमें ज्यादा उठ बैठ नहीं करनी पड़े। जैसे उन्होंने कुर्सी बनाई बैठने के लिए, तो कुर्सी में क्या है, आधा ही बैठना पड़ता है, पूरा नहीं बैठना पड़ता, नहीं तो आलती पालती मार के बैठने को बोल दो तो उनकी जान निकल जाती है। और उन्होंने बैठने के लिए जैसी कुर्सी बनाई है, वैसी खाना खाने के लिए बनाई है, वैसी ही टॉयलेट में बनाई है कमोड सीट, क्योंकि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल घुटनों वाले नहीं है। अब हमने बिना सोचे समझे उनकी नकल करके अपने घर में भी डाइनिंग टेबल ले आया, और हम भी उसी कुर्सी मेज में बैठ के खाते हैं। वो तो बेचारे मजबूर हैं इसलिए कि घुटने उनके हिलते डुलते नहीं है, इसलिए वो तो या तो खड़े खड़े खाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में खाना खाते हैं, तो उन्होंने बुफे सिस्टम लाया अपने देश में, क्योंकि झुक ही नहीं सकते, स्टिफ इतना हो गया है, कमर भी कड़क है, घुटने भी कड़क है, झुके कैसे बैठे कैसे, तो खड़े खड़े खाना खा लेते हैं या लेट जाते हैं। बैठना उनके जीवन में बहुत ही कम होता है, घुटने मोड़कर तो बिल्कुल असंभव जैसा होता है, और जो हम बैठ जाते हैं ना सुखासन में आलती पालती मार के, उसकी तो वो सालों साल एक्सरसाइज करें तब भी नहीं बैठ पाते। तो उन्होंने अपनी मजबूरी के चलते अपना टॉयलेट रूम बनाया जिसमें कमोड सीट लगाया, अपनी मजबूरी के चलते डाइनिंग टेबल बनाया जिसमें आधा ही बैठना पड़े, अपनी मजबूरी के चलते उन्होंने बुफे सिस्टम लाया क्योंकि खड़े होकर ही खा लें। अब हमने बिना सोचे समझे उनकी नकल कर लिया, और जिनके घुटने भी अच्छे हैं, कमर भी ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उन्होंने अपने अपने घर के बाथरूम में कमोड लगा लिया। अब मैं पूछता हूं, भाई ये अंग्रेजी स्टाइल का कमोड आपने क्यों लगाया, कुछ सोचा है, समझा है इसके बारे में? क्योंकि वो तो बेचारे इसलिए लगाते हैं कि झुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। और एक समस्या और है कि जो लोग रोज पाव रोटी खाएंगे सड़े हुए मैदे की, उनका पेट कैसा होने वाला है जरा सोचो। कब्जियत है बहुत, कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ ही नहीं होगा। जब पेट साफ नहीं होगा तो 2-2 घंटे तक बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा उस टॉयलेट पॉट पे? तो 2 घंटे बैठेंगे कैसे अगर हिंदुस्तानी तरीके से बैठने लगे तो? क्योंकि हिंदुस्तानी तरीके के टॉयलेट पॉट पे 5 मिनट आप बैठ सकते हैं, यूरोप में तो 2-2 घंटे बैठना पड़ता है। मैंने यूरोप के कई देशों का प्रवास किया है, वहां जब मैं लोगों को देखता हूं सवेरे सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाते हैं 2-2 घंटे तक बाहर ही नहीं आते, बैठे ही रहते हैं। फिर उनको पूछो भाई क्यों नहीं आते, तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। क्यों पढ़ते हो न्यूज़पेपर? टट्टी साफ नहीं होती, संडास नहीं होती, पेट साफ नहीं होता, इंतजार करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, कभी कभी गाना भी गाते रहते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आई, वो आती नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। और भारत में क्या है, भारत का खान पीन ऐसा है और सूर्य के प्रकाश से पाचन का तंत्र ऐसा है कि टॉयलेट रूम में 5 मिनट से ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है। बहुत दिन बाद मुझे यह समझ में आया कि यूरोप के सभी बाथरूम और टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी क्यों बनाते हैं। उनके यहां जो लाइब्रेरी होती है ना, वो ड्राइंग रूम में नहीं होती, बेडरूम में नहीं होती, टॉयलेट रूम में होती है, क्योंकि वहीं बैठना है 2-2 घंटे, तो कुछ टाइम तो पास करना ही पड़ेगा।